प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आहवाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने शास्त्रों में वर्णित मंत्र जप के चार मुख्य प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी ली है, जैसे 1. वाचिक जप, 2. उपांशु जप, 3. मानस जप और 4. अजपा जप। इस वीडियो में हम शास्त्रों में वर्णित मंत्रों के प्रकारों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सनातन संस्कृति के शास्त्रों में मंत्रों का काफी गुणगान किया गया है। मंत्रों को देववाणी बताकर उनके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है तो उसके मन में पहला ख्याल भगवान का आता है कि काश वो कुछ ऐसा कर दे जिससे सारी समस्याएं ठीक हो जाएं। इसी के चलते लोग उनकी आराधना करनी शुरू कर देते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सके। हालांकि ऐसा करना इंसान का अपना स्वार्थ कहलाता है, क्योंकि लगभग लोग केवल मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुख अथवा दुख हर परिस्थिति में भगवान या ईश्वर को याद करना चाहिए, मगर भगवान तो अपने भक्तों की हर भूल को क्षमा करते हैं, वो तो बस इनकी सच्ची भावना देखते हैं। अगर भक्त पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके उच्चारण से हर बुरी से बुरी समस्या का समाधान निकल जाता है। लेकिन मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण मंत्र, बीज मंत्र आदि। हम में से बहुत से लोगों को न तो इनके बारे में पता है न ही इनके शुभ प्रभावों से रूबरू है, तो चलिए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में। माना जाता है कि चमत्कारी मंत्र जप से आसपास का वातावरण भी प्रभावशाली बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर एकाग्र होकर मंत्रों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए और उन पर विश्वास किया जाए तो हर मुसीबत से उबरा जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों में वह शक्ति होती है कि वो मानव को तार देते हैं। हर देवी देवता के अपने मंत्र होते हैं और उनके स्मरण मात्र से मानव के उन्नति और उसकी सफलता के द्वार खुलते हैं। वैदिक शास्त्रों ने मंत्रों को मुख्य रूप से 16 भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि मंत्रों का 16 तरीकों से पारायण और अधिष्ठापन किया जाता है। वैसे मंत्रों को मुख्यतः 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है, जैसे 1. वैदिक मंत्र, 2. तांत्रिक मंत्र और 3. शाबर मंत्र। आइए मित्रों, अब हम इन तीनों मंत्रों के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। 1. वैदिक मंत्र। मंत्र की यदि धार्मिक कर्मकांड में बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों की बात होती है। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है, लेकिन वैदिक मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वे फिर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। मानव जीवन में उनका प्रभाव सदैव बना रहता है। जिस किसी भी मनुष्य ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो उसकी जिंदगी में उस मंत्र का प्रभाव हमेशा बना रहता है। 2. तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में जहां कड़ी मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है, वहीं तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र की अपेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना फल भी मानव को जल्दी दे देते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्र जितनी जल्दी सिद्ध होते हैं उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यानी जितनी जल्दी तांत्रिक मंत्र अपना असर दिखाते हैं उनकी शक्ति भी उतनी जल्दी क्षीण हो जाती है। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम सम तक बना रहता है। 3. शाबर मंत्र। वैदिक और तांत्रिक दोनों मंत्रों से शाबर मंत्र अलग होते हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, यानी वह जातक को अपना प्रभाव जल्द देते हैं। ये मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है। इसके अलावा मंत्रों का और एक महत्वपूर्ण प्रकार है, वो है बीज मंत्र। बीज मंत्र पूरे मंत्र का छोटा रूप होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बीज बोने से पेड़ निकलता है, उसी प्रकार बीज मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार मूल बीज मंत्र ओम होता है, जिसे आगे कई अलग बीज में बांटा जाता है, जैसे योग बीज, तेजो बीज, शांति बीज, रक्षा बीज इत्यादि। कहा जाता है बीज मंत्र हर प्रकार की बीमारी, भय, चिंता और हर तरह की मोह माया से मुक्त करवाता है। इन चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे दीर्घायु, धन,
परिवार का सुख, शत्रु का नाश तथा व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव होने लगता है। दोस्तों, इस तरह से हमने शास्त्रों में वर्णित मंत्रों के प्रकारों के बारे में सविस्तर जानकारी ली है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।